वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी अद्भुत दवा लेकर आए हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। दोस्तों, इसका औषधि का नाम है पान। पान का पत्ता यह आपको आसानी से मिल जाता है और इसके बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और आयुर्वेदिक फ़ायदे हैं। यह पान की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह बहुत सारे खतरनाक रोगों को बहुत ही आसानी से ख़त्म करता है, हमारे शरीर को रोगों से निजात दिलाता है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों, पान के किन किन रोगों को दूर करने की ताकत रखता है यह पान का पत्ता। सबसे पहले नंबर पर आप जान लें, अगर आपको खांसी की समस्या है, आपको सूखी खांसी या कफ की खांसी, किसी भी प्रकार की खांसी है, तो अगर खांसी के लिए यह पान का पत्ता बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको मात्र एक पान पत्ते को लें और उसे दोस्तों एक काली मिर्च के साथ अगर आप चबा चबा कर इसका सेवन करते हैं तो आपको चाहे कितनी भी पुरानी खांसी हो, यह बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देता है। यह बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और चमत्कारी औषधि है। दोस्तों, यह कफ़, अगर आप कफ के रोगी हैं, आपको कफ की वजह से सांस लेने में तकलीफ़ या कफ की समस्या है, तो यह पान का पत्ता आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको पान के पत्ते, एक पान के पत्ते को लें और इसमें आपको एक चुटकी फिटकरी के साथ इसका सेवन करें। इससे आपकी मात्र दो टाइम सुबह और शाम एक एक पान का पत्ता और एक एक चुटकी फिटकरी के साथ अगर आप इस पान के पत्ते का सेवन कर लेते हैं तो आपका कितना भी पुराना कफ हो, यह बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देगा। दोस्तों, यह कान का दर्द, अगर आपके कान की दर्द की समस्या है, अगर आपके कान में दर्द रहता है, तो आपको मात्र पान के पत्ते का रस निकालें और एक या दो बूंद अपने कानों में डालें। आपके अगर कान का दर्द है तो सही हो जाएगा। आपके कान से, अगर आपका कान से मेवाज आ रही है, कान बह रहा है, तो यह मात्र एक हफ्ता सुबह शाम डालने से कान का बहना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों, यह मुंह का पायरिया, अगर आपके मुंह में पायरिया की समस्या है, आपके मुंह से गंध आती है, तो यह पान का पत्ता आपके मुंह की बदबू, आपके मुंह से पायरिया ख़त्म कर देगा। आपको मात्र इस पान के पत्ते को लें और चबा चबा कर अपने पूरे दांतों में इसकी लार लगाएं और उसके बाद आप इसे पी जाएं और अपने दांतों को हमेशा गुनगुने पानी से अपने दांतों को धोते रहें, आपका दांत से पायरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, यह हमारी मर्दाना ताकत, हमारी दोस्तों मर्दाना ताकत को बढ़ाता है, हमारी शीघ्र पतन की समस्या को ख़त्म करता है, यह नपुंसकता दूर करता है। अगर आपको गुप्त बीमारी की समस्या है तो यह बिल्कुल सही कर देगा, आपके धात रोग को बिल्कुल सही करता है। अगर आपको धात रोग, नपुंसकता, शीघ्र पतन की समस्या है, नपुंसकता की समस्या है, तो आपको पान का पत्ता लें और इसमें आपको दोस्तों मालकांगनी के बीज को लें और आपको इसमें लेना है दोस्तों सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली लें और इसे मिलाकर आप इसका पान की तरह, इसमें आप आधा जायफल कट करके छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसे पान की तरह खाएं और इसके रस को चूसते जाएं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, आपकी मर्दाना ताकत बढ़ेगी, आपकी शीघ्र पतन की समस्या ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, ध्यान दें, एक पान का पत्ता और आधा जायफल और आंवले का चूर्ण
और सफ़ेद मूसली मिलाकर इसका सेवन करें। इससे आपकी मर्दाना ताकत बढ़ जाएगी, आप अपनी बीवी को संतुष्ट कर पाएंगे। यह बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और लाभकारी औषधि है, आप इसका उपयोग अवश्य करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें। वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर कोई सवाल है तो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिलेटिव में शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।